तो भाई देखो फिर से खाना आ गया, लेकिन इस बार फिर बहुत सारा खाना है। और इस खाने की एक सबसे स्पेशलिटी ये चीज़ है कि इसमें अदरक और लहसुन और प्याज भी, ये तीनों चीज़ें भी नहीं डल रही है बिल्कुल। तो ये मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन है। लव यू गोविंदा रेस्टोरेंट एंड लव यू श्री कृष्ण एंड लव ऑल द कुक्स जो बना रहे इतना बढ़िया खाना। भाई वाह, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योलो यात्रा। और ये है पार्ट टू मेरे इस्कॉन विजिट का। सो पिछले पार्ट में आपने देखा था जैसे कि आरती अटेंड की थी, बहुत मज़ेदार थी, उसका एक्सपीरियंस सारा देखा। अब भूख लग रही है तो अब हम खाने जा रहे हैं गोविंदा रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट इस्कॉन के अंदर ही बना हुआ है जहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है। भाई यार इस रेस्टोरेंट का तो एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, ठंडा एकदम और बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, खाना खा कर देखते हैं कैसा है यहाँ का। आई थिंक बुफे तो अभी नहीं होगा, यहाँ पे बुफे भी होता है बट थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो एला काटे है मुझे पता नहीं है, देखते हैं क्या मिलता है। एंड यहाँ पर अभी मैंने कहा था, मुझे लग रहा था बुफे अभी बंद हो गए ड्यू टू सम रीज़न, आई थिंक कोविड और उसके कारण, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन के कारण। और ये भाई है हमारे रिसेप्शनिस्ट, क्या भाई नाम, क्या भाई है? हिमांशु भाई हैं और ये रेकमेंड कर रहे हैं मेरे को महाराजा थाली लेने के लिए। सो आई थिंक आई विल गो फॉर महाराजा थाली जिसमें सारे टेस्ट आ जाएंगे, तो देन आई विल लेट यू नो कि कैसा है इसका टेस्ट। तो गाइस अभी मैं यहाँ बैठा हूँ वेटिंग फॉर माय फूड, देखते हैं टेस्ट करके। एक्चुअली पहले यहाँ पर बुफे सिस्टम भी होता था कुछ दो साल पहले, कोविड से पहले की बात है क्योंकि मैं एक बार आया हूँ यहाँ पर, बट अभी वो बंद हो गया। जैसे वो उन भैया ने भी बताया वो बंद हो गया, आई थिंक ड्यू टू कोविड के रीजंस भी, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है देख सकते हैं आप पीछे, तो इसी कारण। बाकी तो सब एम्बियंस अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है और मस्त विजिट जगह है यार, बिल्कुल मस्त विजिट जगह है, आइए आप लोग। और ये बात मैं कह सकता हूँ, ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, यहाँ से आप जाएंगे तो बहुत खुश होकर जाएंगे। तो अभी आधी खुशी तो मिल गई है आरती अटेंड करके, और बाकी अब आधी खुशी देखते हैं मिलेगी कैसे खाने से। और यहाँ पर जो खाना है ये पूरा प्रॉपर प्योर वेज है, तो सब प्रकार के खाने होते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज़ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बट ये है कि प्योर वेज होते हैं, प्योर वेज है, ऑब्वियसली प्योर वेज है। बट लेट्स सी, चलिए खा के देखते हैं कैसा होगा। तो भाई देखो फिर से खाना आ गया, लेकिन इस बार फिर बहुत सारा खाना है। ये देखिए ये महाराजा थाली और साथ में नान भी है। और इस खाने की एक सबसे स्पेशलिटी ये चीज़ है कि इसमें अदरक और लहसुन और प्याज भी, ये तीनों चीज़ें भी नहीं डल रही है बिल्कुल। ये मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन है। मेरे लिए तो ठीक है क्योंकि मैं वेजिटेरियंस हूँ, बट आप में से भी कोई वेजिटेरियंस है तो उनके लिए भी बहुत सही है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो भी इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं भाई, ये बहुत डिलीशियस लग रहा है। देखते हैं, खा कर देखते हैं कैसा है। पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या है इसमें। ये देखिए स्वीट है, पनीर की सब्ज़ी है, दही, सैलड, चावल, ये क्या चीज़ है, ये भी एक पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, ये प्लेटर है और नान है साथ। भाई पहले तो ये समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ मैं, ये इतना बढ़िया खाना है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं अपनी सबसे फेवरेट चीज़ चाँप से शुरू करता हूँ। ये चाँप बहुत टेस्टी लग रही है, गजब भाई गजब, बहुत ही बढ़िया। ये आई थिंक कुछ कबाब है, भाई वाह। इसमें मेथी और वेजिटेबल स्टफिंग की हुई है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी है। मैं एक आइटम आपको पहले खा के दिखा देता हूँ सारा बेहतर। पनीर टिक्का है, मैं बहुत ही स्ट्रेंज आपको लगेगा ये चीज़ सुनकर, बट बीइंग अ प्योर वेज मुझे पनीर इतना पसंद नहीं है, बट ठीक है खा लेते हैं खाते हैं। बहुत ही गजब भाई, वेरी रेयर मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ भाई,
जब मुझे कोई कहीं का पनीर अच्छा लगता है। तो थैंक यू गोविंदा रेस्टोरेंट एंड थैंक यू इस्कॉन कि बढ़िया पनीर बनाने के लिए। चलिए अब रोटी खा कर देखते हैं, साथ में नान आए, ये पनीर की एक सब्जी फिर से और दाल में डबो के देखते हैं कैसा है। भाई वाह, इतना फ्रेश फूड अपने आप में ये लग रहा है, एकदम प्योर खाना है बिना मिलावट के, टेस्टी पूरा है। अब देखिए साथ में ये रायता भी है, रायता भी बहुत बढ़िया, हल्की सी खट्टास है बट बहुत ही टेस्टी है भाई, बहुत ही टेस्टी है। देखें अब दूसरे एक और सब्जी है कुछ, भाई लाजवाब, ये दाल भी बहुत बढ़िया भाई, नान भी एकदम सॉफ्ट है, तो वैसा नहीं है कि एकदम रफ से है, वरना कई जगह पे होता है बहुत एकदम पत्थर जैसे कड़क मिलते हैं, रबड़ी मिलते हैं, बट अच्छे हैं, बहुत स्मूथ है, क्रिस्पी अच्छे हैं। स्पाइसी है खाना, हल्का स्पाइसी है, मुझे लगता है तभी ये उन्होंने ये रसगुल्ला साथ में दिया है ताकि एज अ डेजर्ट आप खा सको, बट ठीक है इतना स्पाइस चलता है, इतना बढ़िया खाना आई थिंक टेस्ट को वो एनहांस करता है, वो अच्छी चीज़ है। लव यू गोविंदा रेस्टोरेंट, आई लव यू श्री कृष्णा, आई लव ऑल द कुक्स जो बना रहे हैं इतना बढ़िया खाना, भाई वाह बहुत बढ़िया भाई, खाना तो बहुत बढ़िया है, गज़ब खाना है गज़ब। और आपको भी जब मौका मिले ज़रूर आइएगा गोविंदा रेस्टोरेंट खाना ट्राई करने के लिए, ये 8 o'clock इनका डिनर स्टार्ट हो जाता है। हो गया ब्रो फाइनली, बहुत बढ़िया खाना था, मस्ट हैव मस्ट ट्राई, सब कुछ था, न्यूट्रिटिव खाना था। और पहली बार मैंने एक सब्जी देखी, मेरे को नहीं पता था, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, पनीर के साथ गोभी, गोभी और पनीर की सब्जी थी, गोभी आलू जो सुना है गोभी पनीर थी बट अच्छी थी। बाकी दाल चावल शाही पनीर दही सैलेड रसगुल्ला सब कुछ बहुत बढ़िया था। देखो भाई बिल आ गया हमारे पास और देखो सब मिला के 525 का बिल है, ठीक है सही में होगा। और भाई एक और चीज़ इसमें, ये चीज़ अच्छी है कि जो थाली आई थी इसमें आप देखिए तीनों चीज़ें, पहले स्टार्टर भी थे जो पूरा प्लेटर था सब चीज़ों का, जिसमें पनीर और चाप वगैरह सब थी, और फिर उसका मेन कोर्स था जो सारी सब्जियां रोटी चावल सब थे, और फिर डेजर्ट भी था एक रसगुल्ला था। तो आई थिंक बहुत सही है यार, ये बहुत अच्छा है, न्यूट्रिटिव फूड है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको लगता है कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है डू कमेंट डाउन बिलो और बताना मेरे को। तो गाइस आपने देख लिया आज कि कैसा बढ़िया खाना था ये, तो यहाँ पर आना इस्कॉन में आना, हर तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल है, आप आइए इस्कॉन आइए इन्जॉय कीजिए, अकेले आइए फैमिली के साथ आइए फ्रेंड्स के साथ आइए, बट बहुत अच्छी जगह है ये, दिस इज़ अ प्लेस जहाँ आपको एक्चुअल में आके ट्रू मीनिंग ऑफ पीस ट्रू मीनिंग ऑफ जॉय समझ आएगा, चाहे वो फिर आरती ही आप अटेंड करें, अंदर जो बुक्स के स्टोर्स हैं वहाँ जाके आप बुक्स भी कुछ ले सकते हैं, इनफैक्ट उसके साथ में एक और स्टोर है जहाँ से आप कुछ हैंडलूम के कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं अपने लिए, और साथ में इतना बढ़िया खाना है तो है ये बहुत बढ़िया जगह है ये। सो आप कमेंट करके नीचे बताइए आप कब आ रहे हैं, और अगर आप आए हैं तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड, चाहे दिल्ली में और कहीं पर भी हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और ऐसे ही कीप एक्सप्लोरिंग। फिर से वंस अगेन हरे कृष्णा, बाय बाय।